इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। एक सवाल और था आपका कि एक इंसान को कितना इल्मे दीन सीखना चाहिए, यानी किसी एक इंसान को इल्मे दीन कितना सीखना चाहिए। असल में इसका कोई ऐसी पैमाना नहीं है कि उसको नाप के बताया जा सके कि कितना इल्मे दीन सीखना चाहिए। एक छोटा सा कायदा जो बुज़ुर्गों ने उलमा ने ये फरमाया है कि हर वो शख्स के जिसके ऊपर जो मामलात ज़िंदगी में पेश आते रहें उन सब मामलात को सीखना, उससे रिलेटेड इल्मे दीन का सीखना उस बंदे पे जो है वो फ़र्ज़ होता रहता है। अगर वो नहीं सीखेगा और उस मामलात में ख़ता करेगा तो फिर गुनाहगार होगा दो वजह से। एक तो उस गलती करने की वजह से कयामत में जो है वो अजाब पाएगा, दूसरा उस मामलात को ना सीखने की वजह से अजाब पाएगा। तो इल्मे दीन सीखने की एक फजीलत ये भी है कि अगर बंदा सीख लेता है तो कम से कम एक गुनाह अपने सर से हटा लेता है। अब अगर वो अमल नहीं करेगा तो सिर्फ अमल ना करने का उससे जो है वो हिसाब किताब होगा, जबकि उससे ना सीखने का हिसाब किताब नहीं होगा। इसी तरीके से जाहिल रहना भी ख़ुद में एक गुनाह है, तो बंदा इस गुनाह से जो है वो इल्मे दीन सीखेगा तो बच जाएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर लड़की है तो 9, 10, 11, 12 साल की होती है तो उस दौरान जो है ना उसको तहारत के मसाइल को सिखा देना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंदे पे जो सिचुएशन आए वो सारा मुकम्मल इल्मे दीन हाथों हाथ सीख जाएगा। सूरतें नई नई पेश आती हैं, तो धीरे धीरे जैसे तहारत ज़रूरी हुई, अब वज़ू और फ़र्ज़ हो गया बालिग पर, तो बालिग होते ही वज़ू के मसाइल, उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कैसे वज़ू टूटता है, कैसे मकरूह होता है, किस पानी से हो सकता है, किस पानी से नहीं हो सकता, बुनियादी चीज़ें कम से कम जो पेश आने वाली हैं वो तो कम से कम सीख लें। हाँ, अब इसमें ऐसा भी नहीं कि वज़ू के मसाइल में कुएं का बयान पड़ेगा, कुएं के पानी कैसे पाक करें, कुएं का पानी कैसे निकालें, कुएं में ये चीज़ गिर जाए, तो उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंदे का वज़ू का ताल्लुक फ़िलहाल आजकल टंकी टोटी वगैरह से है, तो उसमें पानी जो है वो किस तरह इस्तेमाल शुदा होता है, किससे वज़ू हो सकता है, वो सब बुनियादी बातें सीख लें। इसी तरह बालिग होने के बाद अगर लड़की है तो हैज़ के मसाइल, लड़का है तो दूसरे एहतलाम से मुतालिक मसाइल सीखे, धीरे धीरे हराम हलाल, फिर ये के मोहलिकात जो है गईबत चुगली वगैरह इनके मसाइल सीखे, इनकी आगाही भी सीखे कि ये होती क्या है, इसी तरीके से बदगुमानी वगैरह इन सब से रिलेटेड जो मोहलिकात हैं जो सारे नेक अमल को बर्बाद करती हैं, ये कब होती हैं, कब पाई जाती है, इनकी पहचान क्या है, इनकी मारिफत क्या है और इनसे बचने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं, ये सब इल्मे दीन में है। बाकी नमाज रोज़ा, आए रमज़ान फ़र्ज़ हो तो फिर रोज़े के मसाइल कैसे टूटेगा कैसे नहीं टूटेगा, सहरी इफ्तारी वगैरह से रिलेटेड जान ले और फिर नमाज से रिलेटेड सारी बातें। इसी तरह अगर निकाह हो गया बाद में तो शादी से रिलेटेड मसाइल भी जानेगा, कब निकाह टूट सकता है कब नहीं टूट सकता, बीवी कब मर्द पर हराम हो जाती है और क्या क्या मामले रहते हैं इन दोनों के आपस में, एक दूसरे पे क्या अहकाम है वो सब, और तहारत से रिलेटेड हो जाएगा। इसी तरह अगर कमाने बंदा जाएगा तो उसमें हराम हलाल क्या होता है, कब जो है वो पैसा नाजायज़ हो जाएगा, तिजारत के मसाइल जो है ना जाने, तो ये सब बातें जितना भी यानी बंदे पे ज़िंदगी में पेश आती रहेंगी चीज़ें उसको उतना इल्मे दीन सीखना फ़र्ज़ है। और फिर इसमें भी बंदा कंटिन्यू जारी रखे, मुकम्मल तो कोई नहीं सीख पाएगा लेकिन जारी रखना चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उन सारे मामलात को बंदा सीखता रहे यहाँ तक कि उसको ये अपने अंदर इत्मीनान हो जाए कि इस मामले में मैं, मसलन ये कि नमाज मैंने मुकम्मल सीखे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये इत्मीनान हासिल हो, तो हर फील्ड में उसको इतना इल्मे दीन सीखना चाहिए जो उसके पेश नज़र मामले आते रहते हैं कि मुझे मामला है। अब एग्ज़ाम्पल समझे, अभी किसी को हज पे नहीं जाना तो हज के मसाइल सीखना उसको ज़रूरी नहीं है कि अभी उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है, मसला नहीं है कि अभी बालिग हुआ है या बालिग हुई है तो 20 साल तक उसको फ़िलहाल जो सामना पड़ेगा वो हज से नहीं पड़ेगा, रोज़े नमाज से पड़ेगा, तो इन पर ज़्यादा फोकस करे, तहारत पर ज़्यादा फोकस करे, नमाज पर ज़्यादा फोकस करे, ये सब जान ले तो फिर आगे के मामला धीरे धीरे जो है ना इल्मे दीन हासिल करे। हज छोड़ भी देगा सीखना तो भी गुनाह नहीं होगा, क्योंकि जब तक जाना नहीं है फ़र्ज़ नहीं है तो इस तरीके से उसको सीखना ज़रूरी है, लेकिन सब मामले निपट जाएं और आगे का सीखना चाहे तो अच्छी बात है। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जो सूरतें पेश आती हैं उसको सीखते रहना चाहिए। पत्थर में असर।